नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आखिर दिवाली पर क्यों नहीं जलाए जाते हैं मिट्टी वाले दिए? आज जब पत्रकारों ने मिट्टी के दिए बनाने वाले परिवारों से बात की कि आखिर मिट्टी के दिए क्यों नहीं बिक रहे हैं, बताते चलें कि हाल ही में सरकार ने प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल बंद कर दिया है, फिर भी मिट्टी बनाने वालों के व्यापार में विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। कारण, लोगों के द्वारा चाइना के माल का प्रयोग करना है। मिट्टी के दिए बनाने वाले अजय प्रजापति ने बताया है कि पहले के समय में लोग मिट्टी के दिए जलाते थे, जिनसे हम लोगों की मेहनत बसर होती थी और हमारे परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन आज के समय में लोग आर्टिफिशियल दिए और मोमबत्तियां जलाने लगे हैं, जिससे हम लोगों का भरण पोषण होना मुश्किल हो रहा है। वहीं मिट्टी के दिए विक्रेता चमेली ने देवी ने बताया है कि हमारे समय में मिट्टी के दियों की बहुत बिक्री होती थी, जिसकी पूर्ति के लिए हम लोग 2 महीने पहले से ही दिए बनाते थे, फिर भी दिवाली तक पूर्ति नहीं कर पाते थे। लेकिन अब उनकी जगह चाइना के आर्टिफिशियल लाइट और झालरों ने और दियों ने ले रखी है, इसलिए हम लोगों का परिवार नहीं चल पा रहा है। मिट्टी के दियों के प्रयोग से पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण में उपस्थित बैक्टीरिया विषाणु खत्म हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को लाभ भी मिलता है। हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी जो भी चीजें हैं, उनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है। यदि हम मिट्टी वाले दिए का प्रयोग करते हैं, तो एक तरफ हम गरीब परिवार के लोगों की आर्थिक मदद करेंगे, तो दूसरी तरफ हम अपने परिवार को भी शुद्ध बनाए रखने में बराबर सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ यदि हम चाइना के आर्टिफिशियल माल का उपयोग करते हैं, तो हमारे देश का पैसा विदेश में चला जाएगा, जबकि मिट्टी वाले दिए यदि हम लोग जलाते हैं, तो हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में रहेगा। मेरा नाम अजय प्रजापति है, मैं दातारण से दातारण का रहने वाला हूँ जी। ये प्लास्टिक और थर्माकोल बंद हुआ है, इससे क्या असर पड़ा है आपके व्यापार से? हमारे व्यापार में कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि वो थर्माकोल प्लास्टिक बंद कर दिया है, तो वो कागज का चलने लगा है कुल, और कुल्हड़ भी कोई नहीं लेता है, और वैसे ही चल रहे हैं। दियों का व्यापार घटा है या बड़ा है आपका? घटा बड़ा है, बड़ा ही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक की और वो चाइना की झालरें चलने लगी हैं, इसलिए, और लाइटें ज्यादा है, तो इसलिए मोमबत्तियां भी चल रही हैं जी। आप लोग कब से ये दियों का काम कर रहे हैं? ये तो बरसों से कर रहे हैं, 40 साल 50 साल हो गए बुजुर्गों से, तब से जमाने से काम होता आ रहा है। आज से पहले क्या रहता था? पहले सही रहता था, मोमबत्ती कम थी, लाइटें भी कम थी, लाइटें कम आती थी तो दिया ज्यादा जलाया जाता था, लाइट ज्यादा आती है तो दिए भी कम जलाए जाते हैं, और झालरें ज्यादा लगती हैं। क्या आपकी मेहनत आपके रंग लाती है दिवाली पे? यानी जी नहीं, क्या चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि कारोबार बढ़े और अच्छा दिए भी बिके तो अच्छा लगेगा कुछ। किस तरह से आपका कारोबार बढ़ सकता है? कारोबार इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि ये झालरें मोमबत्तियां कम करेंगे तो दिए ज्यादा बड़े बिकेंगे।